समोसे रोल नहीं बनाए? नहीं बनाए। नहीं बनाए? मजाक नहीं कर रही मैं, कल अच्छा कल पक्का बना लूँ। यार मैं सिर्फ समोसे रोल ही खाता हूँ। पकौड़े भी आप खाते हैं, चाट भी आपके लिए रेडी है। लेकिन अब आपने कह दिया, अब मैं नहीं बनाऊँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मेरे हस्बैंड गए मैच पर। चलिए पहले भाभी को आइसक्रीम दे देते हैं और फिर भाभी सोना जाए। ये नहीं भाभी आपकी आइसक्रीम, मेरे क्या वेलकम, गुड नाइट। अभी मैंने अबाया उतार लिया है। किचन की हालत देखें बहुत ही बुरी हुई पड़ी है, तो अब किचन की सफाई करते हैं और उसके बाद जाए सो जाते हैं और फिर सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना है। तो अभी जल्दी से पहले किचन साफ़ कर लेते हैं और नीचे देखिए इतना ज़्यादा कचरा हो पड़ा है। तो अभी सारी सफाई करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं और चूल्हा भी साफ़ करते हैं। कर लिए है और जो बर्तन थे वो भी मैंने सारे वॉश कर लिए हैं और नीचे से मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा था, इसलिए मैंने झाड़ू लगाना लाजमी था, इसलिए मैंने झाड़ू लगाया। और तैयारी के टाइम जब मैं इस चूल्हे को यूज़ करी थी तो बिल्कुल देखने के काबिल नहीं था, लेकिन तैयारी के लिए सामान तैयार करना था इसलिए मैं इसे साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने इसे भी साफ़ किया और कुछ निशान जो है रह गए हैं। बाकी ये वाला चूल्हा भी मैंने साफ़ किया है। इस चूल्हे की जो फ्रेम थी वो भी मैंने धो ली है, तो ये सुबह तक सूख जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो अभी देख लेते हैं कि आटा पड़ा फ्रिज में या नहीं। और दही भी है और साथ में आटा भी है, दूध भी देख लेते हैं, अंडे भी देख लेते हैं। अंडे भी पड़े हुए हैं, अब दूध देख लेते हैं। दूध जो है मैंने कहा है पहले किचन साफ़ करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, बाद आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। तो अभी यही खा लेते हैं, बाद में दूसरी खाएँगे। फ्रिज बंद कर लेते हैं और यहाँ पर दो लाइट्स ऑन है तो एक ऑफ कर देते हैं। The next day, तैयारी की तैयारी हो रही है तो यहाँ पर बन रहे हैं पकौड़े। आंटी ये बताएं पकौड़े कौन से बना रही हैं, आलू वाले नहीं है ना, दूसरे हैं ना मसाले वाले? आलू दूसरे काटे ना, बिल्कुल बारीक बारीक। प्याज थोड़ा सा काट के डाला है, पुदीना, हरी धनिया। अच्छा, मतलब कि आलू बिल्कुल नहीं डाले? नहीं। और इसमें क्या रखा हुआ आंटी? अच्छा, इसमें पकौड़े बना के रखे हुए। आंटी ये बताएं शरबत बनी हुई है? नहीं, शरबत नहीं बनी हुई अभी बनाना है। अभी मैं शरबत बनाती हूँ क्योंकि पकौड़े भी आंटी बना रही हैं, अभी मैं बनाती हूँ शरबत क्योंकि तैयारी का टाइम भी होना है। तो यहाँ पर मैंने आधे गिलास में पानी डाला है, उसमें चीनी डाली है, उसे मिक्स कर दिया। अभी चलते हैं ऊपर और चल के चादर बिछाते हैं। चलें जी। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा भी बिछा दिया और ऊपर दस्तरखान भी लगा दिया और हवा इतनी तेज चल रही है तो मैंने इस साइड से भी चेयर रख दिया, इस साइड से भी चेयर रख दिया, टेबल भी रख दिया। अब बारी एक गिलास के, तो गिलास भी ले लेते हैं और साथ ही में पानी भी ले लेते हैं। चलिए अब ये भी लेके चलते हैं ऊपर, नीचे नहीं रखते यहाँ पर भी रखते। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और अभी निकल रहे हैं हम ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम हो गया जी टू अवर न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम फिट, फाइन और शाइन। तो चैनल पे नए आने वाले लोगों से क्या रिक्वेस्ट है भाई? रिक्वेस्ट ये है कि टाइम हो गया सख्त, इफ्तारी का टाइम हो गया कड़क कड़क, आप जो है वो जल्दी से जाएँ इफ्तारी बनाएं और खाएं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इसके अलावा शेयर कर दें। तो भाई सीन ऐसा है कि अभी 6 बज रहे हैं और मुझे फ़ौरन से दस्ती से जाना है सदर और वहाँ से पकड़ने समोसे रोल, समोसे रोल और इसके अलावा एक और चीज़ बिरयानी। तो ये तीन चीज़ें मुझे भी तो सदर चलो, मुझे भी जाना है। नहीं मैं सदर नहीं जाऊँगा, मुझे अपोजिट पड़े। सदर से बहुत अच्छे मिलते हैं? नहीं, मेरे घर के पास से बहुत अच्छे मिलते हैं। सदर में ये बताओ जो अल्नाज वाली लाइन है यूनाइटेड बेकरी, वहाँ से सबसे अच्छे समोसे कहाँ से मिलेंगे? सबसे अच्छे समोसे आपको मिलेंगे वहाँ से, अल्नाज के सामने आप देखेंगे ना तो एक अंकल ने ठेले पर समोसे लगाए, उनके समोसे सबसे ज़्यादा बेस्ट। अच्छा, उस लाइन में ना कोई 6 से 7 स्टॉल दें जहाँ तक मुझे याद है, जो आप जहाँ से हमने वो खाया था गाजर कलवा,
हाँ उसके बाद जो स्टॉल लगता है ना उसके पास सबसे अच्छा समोसा। चलो भाई चलें जी अभी निकलते हैं क्योंकि सदर में काफ़ी ना भागम दाड़ होती है, इस वक्त काफ़ी रश होता है, अफ्तारी के लिए सब पहुँचते हैं। हाँ तो जल्दी से सामान पकड़ते हैं अफ्तारी का और घर जाके उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना मुश्किल होता है गाइस, इतना रश होता है। चलो भाई मिलते हैं आपसे भी इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं गाइस आप सबसे घर पहुँच के। अच्छा तो जी घर पहुँच चुका हूँ और जो है ना अभी घर वालों को नहीं पता मैं बैग में ना सामान लाया हूँ अफ्तारी के लिए, समोसे रोल और इसके अलावा बिरयानी और एक और आइटम है वो भूल गया। तो खैर अभी घर वालों को नहीं पता, घर वालों के साथ जाके पहले मजाक करता हूँ भाई ये सारा सामान बनाया ही नहीं बनाया, और उसके बाद जो ना मैं कहूँगा आपने ही बनाया चलो मैं बनाता हूँ। अभी चलते हैं छोटा सा मजाक करते हैं, अब सारा सामान बैग में किसी को नहीं मालूम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पकौड़े बनाए? पकौड़े बन गए हैं, सब कुछ ऊपर रेडी है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। समोसे? समोसे समोसे तो नहीं बनाए बेटे। समोसे नहीं बनाए? समोसे बाकी नहीं बनाए? फातिमा जी समोसे बनाए? समोसे बनाने दे, कल बना कल बनाएंगे, आज समोसे के लिए कुछ था। रोल कल बनाएंगे समोसे। रोल रोल नहीं बनाना था? समोसे रोल नहीं बनाए? नहीं बनाए। बाकी नहीं बनाए? मजाक नहीं कर रही मैं, कल अच्छा कल पक्का बनाऊंगी यार। मैं सिर्फ समोसे रोल ही खाता हूँ। पकोड़े भी आप खाते हैं, चाट भी आपके लिए रेडी है। मैं नहीं खा रहा भाई, मैं अफ्तारी नहीं कर रहा। क्यों? बस मैं जल्दी, कितना टाइम रह गया, क्या हुआ? बस 10 मिनट 5 मिनट रह गया। क्यों नहीं करेंगे आप अफ्तारी? समोसे रोल नहीं है तो किसे खाऊंगा? कल तो आपकी फेवरेट की हर चीज थी, आज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी क्या करें, अभी हमें पता नहीं था, कल इंशाल्लाह। कितना टाइम रह गया? 10 मिनट 2 मिनट 5-6 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट अच्छा कल से कल से कल से भाई मैं बनाता हूँ खुद ही। सॉरी मैं खुद बनाता हूँ। पक्की बात है? चलो बस कल मैं करूँगा अफ्तारी, अब मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा अफ्तारी। अभी तो कर ले। क्या अभी तो कर ले, जब समोसे रोल नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ना कल आज का दिन से हमको माफ कर दो। आप भी करो मजाक करो। चलो वैसे मैं बना के लाता हूँ, मैं बना के लाता हूँ। 5 मिनट बाकी। अरे मैं 5 मिनट से 5 मिनट तो है ना। हाँ 5 मिनट में बन जाएंगे। ट्रे लेके आओ भाई, ले आया हो। मजाक कर रहा, मजाक कर रहा था, ऐसा मजाक होते। मैंने बताया बताया आपको मैं लेके आऊंगा। अच्छा जी ये आगे क्या पता है, मैंने जान बच्ची ना बैग में डाले थे ताकि जो ना बैग से अचानक निकालूँ, ये मजाक मैंने सोचा तब से करता हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है आप लोगों का। तो खैर गाइस ये मजाक छोटा सा किया था, अभी सिर्फ 5 मिनट लगे तो ये बैग कैसे निकालूँ, चलें कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। चले इस बैग से सामान निकाल लेता हूँ, अभी जल्दी से इस बैग से सामान निकालते जो मैं लाया हूँ। हाँ भाई तो गाइस भाभी और फातिमा का सरप्राइज तो ये रहा, ये इनको नहीं पता ये भी लाया हूँ, तो ये जो ना भाभी और फातिमा को बहुत पसंद है पानी पूरी, तो ये भी लाया हूँ, इनको नहीं पता मैं लाया हूँ, देख के सरप्राइज हो जाएंगे। शॉपर में समोसे हैं, रोल हैं और इसके अलावा बिरयानी भी है। और क्या लाया मेरे लिए? क्या लाया हो? हाँ मेरे लिए क्या लाया उस शॉपर में? मेरा शॉपर कहाँ है? आपके लिए ढेर सारी दुआएं लाया हूँ। एक काम करो तारी करते हैं तो बाद में आना। चलो ठीक है ओके बाय। तो चले गए, ऊपर से आवाज़ आ रही अजान होने वाली है, जल्दी से चलते हैं। ये आपके लिए लाया हूँ मैं पानी पूरी। थैंक यू, वेलकम। ये जल्दी से बिरयानी और समोसे निकालते हैं फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके सरप्राइज देते हैं, उनको नहीं पता, नहीं पता है अम्मी को पता चल गया ना। चलें ठीक है जल्दी निकालते हैं। चलें जी अफ्तारी मैंने रेडी कर दिए, समोसे इसके अलावा चिकन चीज़ रोल, इसके अलावा चटनी भी है, ये बिरयानी भी, तो अभी ये सब ऊपर लेके जाते हैं। फातिमा और भाभी के लाए थे गोलगप्पे, तो ये जो ना अफ्तारी के बाद करेंगे। चलें भाई ऊपर चलें। चलो भाई चलते हैं। आज अफ्तारी में क्रीम फ्रूट चाट जो है घर पे बनाई गई है और इसके अलावा ये मज़ेदार गर्मा गर्म पकौड़े। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई और यहाँ पर भाई भाभी जा चुके हैं, अम्मी और खाला नमाज मगरिब अदा कर रही हैं और अभी जो बच गया है वो रख देते हैं, बाद में खा लेंगे, पहले नमाज अदा कर लेते हैं। 2 hours later। अच्छा जी व्लॉग अपलोड हो रहा है और व्लॉग अपलोड करने के लिए मोबाइल जो है ना मैं यहाँ पर नुक्कर में रख देता हूँ, पता नहीं व्लॉग अपलोड जो है हमेशा कोने में क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही या पता नहीं सबके साथ है। चलो फिलहाल जो व्लॉग अपलोड होता रहेगा, इधर मैं आया हूँ फातिमा के पास और ये जो है ना एक निवाला खाती है और एक घंटा वॉक करती है, इसको ऐसा लगता है कि शायद एक निवाले से ना बहुत मोटी हो जाएगी। अफ्तारी में कुछ खाती नहीं है, बहुत कम ही खाती है। और वॉक नहीं करती। आप क्या कर रही हैं इधर?
थोड़ा सा खाना खाया था और थोड़े से खाने के बाद इतनी ज्यादा वॉक कर लिए। 5 मिनट मैं कब से व्लॉग एडिट करके अपलोडिंग 36% हो गई है, और 36% मतलब 20 मिनट्स में होती है। तो गाइज बहुत बहुत माजर, इतना लेट व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। कल से इंशाल्लाह अफ्तारी से पहले अपलोड करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होता है, ऊपर से हमें रोजा होता है। और आजकल ऑफिस से मैं आते आते अफ्तारी से कोई 30 या 20 मिनट पहले आ रहा हूँ, ऐसे ही जी। कल वो कोशिश करूंगा कि ऑफिस में बैठ 6 फ्लोर चढ़ के आदमी थक जाते ना, इसलिए जल्दी व्लॉग। फिर अफ्तारी करने के बाद पेट इतना फुल रहता है कि दिल ही नहीं करता। आप क्या पता नहीं, अभी मैं ना छोटे वाले मोबाइल से व्लॉग बना रहा हूँ ना काफी अरसे बाद, तो इसमें पता है क्या चीज़ है, इसमें आंखें बिल्कुल जो है लाल सुर्ख हो रही है। आपने क्या किया भाई? फ्लैश ऑन किया हुआ है। हाँ तो फ्लैश ऑन करूंगा ना रात के टाइम में, देखिए क्या अंधेरा हो रहा है, और इस वक्त जो ना मजेदार हवा चल रही है, इस मोबाइल में इतनी रोशनी नजर नहीं आ रही ना। हाँ दो लाइट्स ऑन हुई है, एक आपने फ्लैश ऑन किया, इसलिए कैमरे में ज्यादा कैप्चर नहीं चलता। हाँ सही बात कही आपने वैसे। चलो अभी मैं कहता हूँ व्लॉग अपलोड हो रहा है, रेडी हो जाए, नीचे आए रेडी होते हैं, उसके बाद चलते हैं कुछ सामान वगैरह लेने। अच्छा जी अभी रेडी शेडी हो गए हैं, तो इनको एंड में याद आएगा कि इन्होंने टैंग पीना है, और अगर पीना है तो सिर्फ एक गिलास क्यों पीना है, क्या मैंने नहीं पीना? मैं तो बना रही थी, आपको देख रही थी कि आपने कहना या नहीं कहना। हाँ लेकिन अब आपने कह दिया, अब मैं नहीं बनाऊंगी। अब मैंने कह दिया, अब नहीं बनाएगी। अच्छा जी कल जो है ना हम रमजान कैलेंडर लाए थे, जो कि हमने कहीं पर लगाया नहीं, तो मैंने सोचा इसको ना कहीं लगा देते हैं। मैं कहता हूँ ये सामने लगा देते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ लगा देते हैं यहाँ, लेकिन ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो जाएगा, नहीं बहुत बड़ा कैलेंडर है गाइस, तो इसको ऊपर ले लगा देते हैं, पर कील जो लगा हुआ है ना वो बहुत ही अंदर जा चुका है, तो यहाँ पर जो फिक्स नहीं आएगा, अगर के फिक्स आ भी गया ना तो वापस गिर जाएगा, तो ये जगह बेहतर नहीं है। तो कैलेंडर कहाँ लगाऊँ, इन चाबियों के गुच्छे के पास लगा दूँ, यहाँ भी जगह है लेकिन यहाँ पर अजीब सा लगेगा, यहाँ नहीं नहीं चाबियाँ छुप जाएंगी। आप क्या कहती हैं कहाँ लगाऊँ कैलेंडर? मैं तो ये तो कील ले आती हैं, एक वहाँ पर लगा के ऊपर लगा देते हैं। कहाँ पे? वहाँ पर, या दो मिनट रुके। रुक गया मैं 2 मिनट। इससे ना कील थोड़ा सा बाहर हो सकता है। वाह नाइस आइडिया, ये पकड़े मैं चेयर लेती हूँ, इसका इस्तेमाल करते हैं पेचकस का। और कौन देगा चेयर ले? क्या कह रहे हैं आप मुझे? अच्छा मुझे कह रही हैं कि हाथ पहुँच जाएगा या मैं चेयर ले आऊँ? हाँ आसानी से हो जाएगा, ये भी कोई सवाल है आपका? हो रहा है? इससे तो बाहर नहीं होगा, आप यहाँ कहो ना मट्टी चली जाएगी, दिखाई नहीं करेगी। इससे नहीं होगा मुझे ख्याल से, इससे नहीं होगा, वो जो होता है ना दूसरा क्या कहते हैं उसको, पेचकस की तरह होता है ये। हाँ वो प्लास भाई से पूछते हैं। अच्छा भाई फिर वक्त हम ये करते हैं, इसको जो है ना यहाँ रख देते सामने, बाद में ना इसको वापस आगे ना कहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमने जहाँ जाना है वो जगह बंद ना हो जाए। रेडी हो गई टैंक जी? चलिए थैंक यू सो मच, बर्फ डाल दो सही, मैं से पी लेता हूँ, आप जल्दी से पी लें और फिर निकलते हैं, क्योंकि जहाँ हमने जाने ना वो जगह बंद ना आ जाए। तो गाइस हम गए हैं इम्तियाज पहुँच, और यहाँ देखिए गाइस कितना माशाल्लाह सजाया हुआ है इम्तियाज को, और हर रमज़ान जो ना इसी तरह से सजाते हैं, तो अब पता नहीं टाइमिंग से कन्फर्म नहीं है, 11 बजे बंद होता है, तो अब देखते हैं रमज़ान में क्या टाइमिंग्स हैं इनकी। तो गाइज़ यहाँ पर मेंशन है कि टाइमिंग्स जो है ना एक्सटेंड हो चुकी हैं 10 AM टिल 12 AM 7 days a week, तो मतलब 12 बजे तक खुला है और अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो यहीं से जो ना हमें टाइमिंग्स का आइडिया हो गया कि 12 बजे तक ओपन है। चलो अभी अंदर चलते हैं, सही टाइम पर आए। चलो भाई यहाँ से एंट्रेंस से आगे चलो। इम्तियाज से होने के बाद हम लेने आए थे मेडिसिन अम्मी के लिए, अम्मी ने मेडिसिन मंगवाई थी, तो हमने जो ना मेडिसिन लिए यहाँ से, मैंने पिया था ऑरेंज और गाजर का जूस मिक्स, तो यहाँ से फातिमा के लिए बनवा रहा हूँ ऑरेंज और गाजर का जूस, चुकंदर भी डाल दें। नहीं यहीं पर ग्लास मिल रहे हैं। तो गाइज मैंने गाजर चुकंदर और इसके साथ एप्पल, हाँ एप्पल का, इसके साथ एप्पल का पिया है, फातिमा का जो है फातिमा का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ऑरेंज ऐड किया है, ऑरेंज चुकंदर और कैरेट। ये नहीं मोहतरमा आपका जूस, थैंक यू, वेलकम। अच्छा बताओ कैसा बना? अच्छा वैसे मैं पीता था गाजर चुकंदर और सेब, लेकिन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने ऑरेंज डलवाया है सेब की जगह, चुकंदर भी, चुकंदर भी डलवाया है, चुकंदर उन्होंने खुद डाला है, मैंने नहीं कहा, मैंने बोला ये भी डालो, मैंने कहा डाल दो, अच्छा है ना, चलो ठीक है। अच्छा जी घर पहुंचने के बाद जो है ना
हमें लगी थी भूख क्योंकि बाहर से जो ना हमने कुछ नहीं खाया था, बस फातिमा ने जूस पिया था और उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा है तो यहीं पर थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो खैर घर पहुँचने के बाद हमने कुछ नहीं खाया था और इस वक्त मुझे और फातिमा को बहुत भूख लगी थी और शहरी में भी काफ़ी टाइम है, मतलब 2 से 2.5 घंटे। तो मैंने किया है फूड पैंडा से ऑर्डर। फातिमा का भी काफ़ी दिनों से पास्ता खाने का काफ़ी मूड था तो मैंने सोचा उसे भी पास्ता मंगा के खिलाए थे और मैं भी कुछ अपने लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तो अभी नीचे फूड पैंडा वाले भाई आए हैं और मुझे कॉल किए। मैंने सोचा क्या बेचारे को ऊपर छठे फ्लोर तक खड़ा करता हूँ, तो मेरी तो वैसे भी आदत है ऊपर नीचे आना जाना, तो मैं खुद ही नीचे रहता हूँ। तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ नीचे से ऑर्डर रिसीव करने। ऑर्डर कर लिया रिसीव, अभी चलते हैं ऊपर और गेट कर बंद। इसको बहुत ज़ोर से पुश करना पड़ता है वरना जो है सही से बंद नहीं होता। अच्छा जी, मैं अभी छत पे आया हूँ क्योंकि इस वक्त जो ना ठंडी हवा चल रही होती है तो इसलिए मैंने जैकेट वेयर कर लिए। बाकी फातिमा ने ना यहाँ पर सेटअप लगा दिए, खाने की टेबल लगा दिए और हमने मंगवाए हैं फ्राइज़ के साथ बर्गर भी तो था। बर्गर ये है ना, बर्गर ये, अच्छा भाई बर्गर ये है। तो बर्गर फ्राइज़ के साथ ऑर्डर किए थे मैंने। फातिमा ने खाना था पास्ता। आप सेकेंड टाइम खा रही ना पास्ता जी? फर्स्ट टाइम कैसा लगा था? फर्स्ट टाइम अच्छा लगा था है ना जी, वो वाला मज़ेदार था ना, मज़ेदार था। हाँ ये ट्राई करते हैं, आप भी करें और मैं भी करता हूँ, देखते हैं ये वाला कैसा है। गाइस हम कांटा लाना भूल गए तो हम स्पून लाएँ और अभी ट्राई करते हैं पास्ता। क्रीमी पास्ता है, काफ़ी जूसी लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ये देखें चीज़ें गिर रही हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से उस शॉपर में कांटा दिया हुआ है? नहीं, चम्मच है। चम्मच है वो भी? अच्छा भाई रेस्टोरेंट वालों ने भी चम्मच दिए, उन्होंने भी कांटा नहीं दिया। तो अभी गाइस ये हमारा डिनर भी है और मेरी तो सहरी है, इसके बाद मुझे नहीं लगता मैं सहरी करूँगा। तो सहरी के टाइम उठ जाऊँगा, नमाज अदा करूँगा, फिर वापस सो जाऊँगा क्योंकि मैंने सुबह ऑफिस जाना होता है। तो रात को मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया था और सरप्राइज में दिए थे 2 फ्रॉक्स। एक फ्रॉक ये वाला है जो मैंने पहना हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है वाइट कलर। और ये रहा फ्रॉक, और फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। घर में भी मेरे सारे फ्रॉक दिए होते थे। अम्मी मुझे हर वक्त कहती थी फातिमा कभी कमीज़ें भी बनवा लो। अम्मी बनवा के आती थी कभी कभी कमीज़ें, क्योंकि मुझे कमीज़ें इतनी नहीं पसंद, मुझे फ्रॉक सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को पता चला कि फातिमा को फ्रॉक्स बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे सरप्राइज में फ्रॉक्स दिए। तो माशाल्लाह दोनों कलर भी प्यारे हैं। अभी आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। और दूसरा फ्रॉक है वाइट कलर में, और ये देखिए माशाल्लाह मेरे दोनों फ्रॉक्स बहुत ही प्यारे हैं। और आप सब लोग भी बताइएगा कमेंट्स में क्या सब लोगों को मेरे दोनों फ्रॉक्स लगे। और दोनों लॉन्ग फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है, शॉर्ट इतने नहीं पसंद जितने मुझे लॉन्ग पसंद है। आज है तीसरा रोज़ा, सब लोगों को मेरी तरफ से तीसरा रोज़ा मुबारक हो। और इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अकेले दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।